दिल्ली के शकरपुर इलाके में आज यानी गुरुवार की दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। इस घटना में 3 मजदूर बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए। दरअसल इस इलाके में एक चर्च के ऊपर रिहायशी मकान बना हुआ था जिसको बिल्डर द्वारा तोड़कर दोबारा बनाए जाने का काम चल रहा था। इसी बिल्डिंग में तोड़फोड़ के दौरान इमारत का कुछ हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा और जो मजदूर उस वक्त वहां काम कर रहे थे वो इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब गए। बिल्डिंग गिरने की जानकारी जल्द से जल्द दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां मलबे के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला और घायल अवस्था में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया। गनीमत रही कि तीनों घायल मजदूरों को समय रहते मलबे के ढेर से बाहर निकाल दिया गया जिससे उनकी जान बच गई। घटना स्थल पर दमकल की गाड़ियां और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा जहां मलबे को हटाने का काम जारी है। मलबा हटाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति नीचे न दबा हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घायल मजदूरों का इलाज अस्पताल में जारी है। मैंने देखा था मकान, जब अपना जो मकान है, जैसे मेरी मम्मी रसोई में खड़ी थी तो मकान सीधा जैसे गिरा है, बिल्कुल गिरा है। जो ये है कि मकान जो इस तरफ ढला है ना, तो इस तरफ गिरता ना तो अपने मकान पे सपोर्ट बढ़ जाए, अपना मकान भी जाता और हमारे घर वालों को नुकसान होता। अच्छा, कितने लोग दबे हुए थे? 4 लोग थे जो तोड़ रहे थे मकान को। 2 तो ऊपर जो थे वो तो पीछे कूद गए थे, एक नीचे आके बिल्कुल दब गया था अंदर। और जब दब रहा था ना अंदर, वो तो किसी बंदे ने नहीं निकाला, ना इधर के ना इधर। पुलिस आई, पुलिस ने भी क्या करा, उधर खड़ी रही पुलिस, उधर घूमती रही और इधर 1-2 गाड़ी भी आई थी। गाड़ी भी क्या, एक बार आई गाड़ी, चक्कर लगा के यूं गई गाड़ी, यूं गई दोबारा। मैं अभी देख के आया था तो गाड़ी अभी भी खड़ी है उधर, अभी कुछ नहीं हो रहा है मकान। अभी जैसे जो है अभी यूं देखे जा रहे हैं, बंदे का कुछ पता नहीं अंदर है या नहीं है। एक बंदा, एक तो निकाल दिया, 3 बंदे बाहर है लेकिन एक का नहीं पता कि एक अंदर है या नहीं है कन्फर्म। अच्छा, मतलब 4 लोग दबे होने का शंका है? 4 में से 3 तो निकल गया है, ठीक है, एक दबने की शंका है। अच्छा, अभी पुलिस प्रशासन मौके पे कार्य कर रही है, क्या लग रहा है, मलबा हटाने की कुछ कोशिश किया जा रहा है या नहीं? नहीं, अभी कुछ भी नहीं करा जा रहा, जब से 9:30 गिरा है, जब से 9:30 घंटे में पुलिस आई थी, जब से अब कितना टाइम हो गया। अब ये मकान किसका है? ये वाला जो मकान गिरा है, अपने बाद अंकल का है। अच्छा, ये बना कौन रहा था, ये मकान कौन बना था? बिल्डर बना रहा था? बिल्डर बना रहा था। क्या नाम है बिल्डर का? गोपाल। गोपाल वो बना रहा था। हाँ जी। क्या उसे लेबर तोड़ने के कारण गिरी थी? हाँ, ये लेबर तोड़ने के कारण गिरी थी। उन्होंने क्या करा, नीचे का जितना भी सपोर्ट था वो सारा टूट गया था। ठीक, सपोर्ट के बाद तो ऊपर का मकान रहेगा क्या, ऊपर सारा नीचे गिरेगा, वो तो फिर सारा नीचे गिर गया। फिर इधर हाथ उसको करते करते हाथ में भी लग गई थी मेरे, इधर खरोच वरोच आई थी थोड़ी बहुत, इधर ये थी ना हाथ में लगी थी पूरी, इधर खरोच लगी है तो उसको निकालते टाइम लगी थी। अच्छा, हाँ जी। और हमारे मकान, जो हमारा मकान है उसके अंदर तक मलबा आया है, और जो हमारी मम्मी खड़ी थी अंदर रसोई में और मेरा भाई खड़ा था छोटा, उसके भी लग सकती थी। कितने मकान का नुकसान हुआ इस मकान को गिरने से? इस वाले का हुआ है, 2 मकानों का नुकसान हुआ, तीसरे का भी, तीसरे की गिरी, 4 मकान का। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।